फाइनली हम मंदिर के पास आ गए हैं फ्रेंड्स। मैंने अभी नहाया नहीं है क्योंकि मैं सुबह सुबह से ही आ गया, कल मैं फ्रेंड्स जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो मैंने सोचा फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने हार मतलब खेतों के बारे में कुछ बता दूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसके बाद मैं फिरोजपुर जाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स आज मैं अपने कुछ गाँव की वीडियो आपको बता दूँ, आपको मेरी इस बार मेरी फसल क्या क्या लगाई हुई है जो कि मेरे बटाई के लिए जो लेके रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ मेरी फसल क्या क्या इस बार लगा के रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स इस बार मेरे जो खेतों में लगा के रखी है, ये मूंग की दाल लगा के रखी है। ये मूंग की दाल है जो कि इस बार फ्रेंड्स मेरी इस बार कुछ खाद के कारण यहाँ पर मतलब अच्छी से नहीं हुई है। ये मेरी मौसी है जो कि मेरे बड़े ताऊ है, उनकी मूँग लगी हुई है। और ये उनकी जो ईंटें जो उन्होंने बनवाई थी, जो ईंटें रखी हुई हैं उनकी, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम आगे। अब मैं अपनी मूंगफली आपको दिखाता हूँ। देखिए जब तक मैं आपको आगे बढ़ के मूँगफली के बारे में बताता हूँ, तब तक फ्रेंड्स मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हो तो फ्रेंड्स मेरे प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। फ्रेंड्स आपके सहयोग से मैं आगे बढ़ने में मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। सो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकूं। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी मूंगफली लगी हुई है। ये देखिए इस सभी यहाँ से वहाँ तक यहाँ पूरी मूंगफली मूंगफली लगा के रखी है जो कि हमने बटाई के लिए दे दी है। इसके बाद हम बाहर पंजाब चले जाएंगे, फिर वहाँ पर अपना काम करेंगे। जब फ्रेंड्स आपको मैं अपना कुआँ भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए कुआँ के पास ये सब पेड़ भी लगा रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये दृश्य मतलब यहाँ इस समय बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मगर हम लोग क्या मतलब मजबूरी के कारण फ्रेंड्स जाना पड़ता है, बट यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। अभी इतना अच्छा यहाँ पर मौसम रहता है फ्रेंड्स। ये देखिए कुआँ का क्या हाल बना रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि अब यहाँ रहते तो है नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए ये मेरा कुआँ है, कुआँ के आसपास कितने पेड़ लगे हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर यहाँ हम लोग रहते तो फिर इसको थोड़ा अच्छे से सफाई करके रखते। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ये है मेरी मौसी की ईंटें, ठीक है फ्रेंड्स। ये 20,000 ईंटें बनवाई थी इन्होंने, जो कि अभी इन्होंने एक घर बनवाया है यहीं पर हार में ही। काफ़ी ये कम मतलब 80x100 की वर्ग फुट के आसपास ये घर बनाया है इन्होंने। यहीं पर अपनी भैंसें गाय सब कुछ यहीं रखते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स आगे बढ़ के फ्रेंड्स आपको, और अपनी जो तिल होती है तिल के भी दिखाता हूँ आपको। मेरे खेत में तिल भी लगा रखी है फ्रेंड्स। ये देखिए ये हम मूंग वाले खेत में आ गए हैं। मूंग के खेत में आने के बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो सामने, ये यहाँ पर तिल की भी हमारी इस बार फसल बोई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी मौसी ने जो ईंटें बनवाई थी उसमें अभी घर बनवाया है, और ये उनका ट्रैक्टर रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी तिल की जो फसल है वो भी है। बारिश शुरू भी हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगी है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पर इस समय पे, इतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स आपको क्या बताएं। गांव में वैसे हम तो यहाँ पर इस मौसम में अब यहाँ अभी चले जाएँगे, उसके बाद में अब हम मार्च या अप्रैल में आएँगे फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए अब आपको मैं आपको एक और थोड़ा अच्छा दृश्य दिखा देता हूँ, जो कि जिसे ना तो टाउन कह सकते हैं, हमारे यहाँ इसको पहाड़िया बोलते हैं, जो कि यहाँ पर एक भगवान का स्थान भी बनाया हुआ है। आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो फ्रेंड्स मुझे मतलब पंजाब चला जाना है, तो वहाँ की ब्लॉगिंग करूँगा मैं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का सही सपोर्ट रहा तो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भगवान का जो स्थान बनाया हुआ है, मैं आपको वहाँ पास में जा कर के वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में। फाइनली हम मंदिर के पास आ गए हैं फ्रेंड्स। मैंने अभी नहाया नहीं है क्योंकि मैं सुबह सुबह से ही आ गया, कल मैं फ्रेंड्स जा रहा हूँ पंजाब, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही आ गया फ्रेंड्स, तो मैंने नहाया नहीं, इसलिए मैं पास में नहीं जाऊँगा। मैं आपको दूर से ही चारों ओर से दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि जा रहा हूँ मैं लास्ट बार वीडियो तो थोड़ा बना के जाऊँ, मैंने सोचा गाँव की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इसलिए ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक वीडियो गाँव से ही बना दूँ मैं। तो फ्रेंड्स सिंपली मैं आपको चारों मतलब तरफ से दिखा देता हूँ फ्रेंड्स किस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर जो मंदिर है ये आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने काफ़ी इन्होंने मतलब लोगों का भला किया है भगवान ने,
जो इनका स्थान बना हुआ है हमारे, वैसे ये हमारे कुल देवता माने जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये जो सरकारी का ज़मीन होती है परती उसमें बनाया हुआ है। और फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी इनका काफ़ी इनका जो ग्रो किया है इन्होंने, क्योंकि बताया है मैंने आपको कि काफ़ी लोगों का। फाइनली दोस्तों मुझे वीडियो थोड़ा जल्दी पूरा करना पड़ रहा है क्योंकि फ्रेंड्स बारिश जोर की थोड़ी शुरू होगी, बारिश जोरों जोरों की बारिश होने लगी है फ्रेंड्स। सिंपली देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर ये और भी भोलेनाथ जी की मूर्ति भी यहाँ पर रखी हुई है। और भी फ्रेंड्स यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ये छोटा सा टाउन जैसा है फ्रेंड्स, ये देखिए ये यहाँ का मेरे हार मतलब खेतों के पास का दृश्य है फ्रेंड्स।